परमवीर जदुनाथ सिंह राठौड़ की गाथा कुशल नेतृत्व, निडरता और साहस की शौर्य गाथा है। सिर और सीने पर गोलियां लगने पर भी दुश्मनों को धूल चटाने वाले जदुनाथ सिंह राठौड़ का आज शहीदी दिवस है। 21 नवंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के गांव खजूरी में जदुनाथ सिंह राठौड़ का जन्म हुआ था। पिता बीरबल सिंह राठौर किसान थे। किशोरावस्था में जदुनाथ सिंह एक पहलवान के तौर पर काफी चर्चित रहे। सन 1941 में वह ब्रिटिश भारतीय सैनिक बने और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी बहादुरी का परिचय दिया। परिणाम स्वरूप उनकी पदोन्नति नायक पद पर हुई। बंटवारे के बाद 1948 में पाकिस्तान ने अपनी कुदृष्टि कश्मीर पर डाली और हमला कर दिया। 6 फरवरी 1948 को पाकिस्तान की फौज ने पोस्ट तेंधार पर हमला कर दिया। यहां उनका सामना जदुनाथ सिंह से हुआ, जो केवल 9 सैनिकों के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तानी सेना को हमले का जवाब दिया। जदुनाथ सिंह दौड़ दौड़ कर अपने साथियों के पास जाते, उन्हें प्रोत्साहित करते और गोलियों की बौछार करते। पाकिस्तानी फौज को उम्मीद नहीं थी कि एक छोटी सी टुकड़ी उनका निडरता से सामना करेगी। हार से बौखलाए पाकिस्तानियों ने जदुनाथ सिंह के सीने और सिर पर गोलियां दागी। निडर जदुनाथ सिंह फिर भी उनका सामना करते रहे। कुछ देर बाद ब्रिगेडियर उस्मान बैकअप टुकड़ी के साथ वहां आ गए। दुश्मनों को हराने के पश्चात जदुनाथ सिंह राठौड़ पंचतत्व में विलीन हो गए। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह राठौड़ के शहीदी दिवस पर समस्त आईएमसी परिवार उन्हें सलाम करता है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, गुड आईएमसी। कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी की जानकारी लेने के लिए हमारी वेबसाइट www.imcbusiness.com पर विजिट करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।